नमस्कार दोस्तों, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी है इसका। कल रिजल्ट आ चुका है सीईटी का, तो आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। इसके बाद जो आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। एमएससी की कितनी क्या कट ऑफ, यानी कि किस नंबर पे कितने कैंडिडेट और किन कैंडिडेट का गवर्नमेंट में हो सकता है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये नोटिस जो कि फर्स्ट राउंड का है। इसके बाद सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा। जरूरी नहीं आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट के अंदर, क्या पता आपका सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो मोपअप राउंड है वो मेरे ख्याल से अब की बार भी नहीं होने वाला, पिछली बार भी नहीं हुआ था क्योंकि सीट नहीं बची थी, तो अब की बार भी शायद ना हो मोपअप राउंड। तो इसके अलावा अब आगे की क्या प्रोसेस है, जो 16 से 18 के बीच में आप लोगों को अपनी चॉइस डालनी है उसके अंदर, जो साइट पर आपको लिंक मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। उस पर अपनी जो चॉइस है कॉलेज की वो डालनी है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की फर्स्ट राउंड के वही डालोगे आप लोग। तो अगर आपको वो जो कॉलेज है आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपने डाल सकते हो। और चॉइस डालने के बाद आप लोगों को जो 20 तारीख को है वो यूनिवर्सिटी एक अपनी लिस्ट डाल देगी कि इसको ये कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये सब अगर आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आ रखे हैं और उसके बेसिस पे आपको जो चॉइस आपने डाली थी वो चॉइस अगर मिलती है उस नंबर बेसिस, तो आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हो उस कॉलेज से तो आप 21 और 22 तक अपना जो वो है सीट रिजर्व कर सकते हो। अगर दोबारा आपको लिंक पे जाके वो अलॉट करना है, अगर आप कन्फर्म वही कॉलेज लेना चाहते हो, उसके बाद जो आपकी अगर अलॉट करने के बाद आप लोगों को 23 तारीख को अपनी जो फीस है वो सबमिट करवानी है। जो भी फीस होगी वो आप लोगों को वहाँ पे ऑनलाइन उस वेब पोर्टल के थ्रू जो फीस है वो सबमिट करवा देनी है। देन उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वो यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी 26 से लेके 2 तारीख को, और जो आपका कॉलेज के अंदर आपको रिपोर्टिंग करना है 27 से लेके 5 तारीख के बीच बीच में, ठीक है। ये प्रोसेस आगे की रहने वाली है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों जो कॉलेज वगैरह है वो इस साइट पे यूएचएसआर काउंसलिंग नो पेपर फॉर्म्स .com पे जाके अगर कोई भी आगे की इन्फॉर्मेशन है वो इसी वेबसाइट पे आएगी, आप चेक कर सकते हो। वो फॉर्म वगैरह आप अप्लाई करना है तो भी इसी साइट पे आप लोगों को करना होगा। इसके बाद हम बात करें जो डॉक्यूमेंट की नीड पड़ने वाली है वो आप लोगों को लिस्ट दिखा देता हूँ। ये अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट की आपको नीड पड़ने वाली है। जो आप लोगों को एडमिशन लेना है उसकी ऑफिशियल साइट ये है, ठीक है। इसको भी अपने जो वहाँ पे विजिट कर सकते हो, इस पे लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल भी दूंगा। और इसके अलावा जो भी आपको कोई भी क्वेरी चाहिए या कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, यूनिवर्सिटी का है जो कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ओपन रहेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये वो वेब पोर्टल है जिसके अंदर आपको लॉगिन करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन वाया ओटीपी कर सकते हो, ठीक है। इसके बात करें एमएससी की तो इसके अंदर लगभग 128 नंबर पे 2 कैंडिडेट थे, 121 पे 1 कैंडिडेट था, 120 पे 1 था, 18 पे 2, 117 पे 1। इसी तरह से अपनी जो नंबर है उसके बेसिस भी देख लेना आपसे कितने ऊपर कैंडिडेट हैं। इसरो के अंदर 33 स्टूडेंट हैं जिनका चांसेस हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 33 सीट है गवर्नमेंट कॉलेज की एमएससी के लिए, ठीक है। इसके बाद ये कैंडिडेट है इन ये बॉर्डर लाइन पे, इनका भी हो सकता है, अगर कुछ कैंडिडेट इनमें से प्राइवेट के अंदर चले जाते हैं तो इन कैंडिडेट के भी चांसेस बन सकते हैं, तो अपना अपना देख लेना। इसके बाद जो 99 से नीचे हैं उनका चांसेस नहीं है, आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज ही चूज़ करना होगा। बाकी इनके इनके चांस ज़्यादा हैं और ये इनके भी कुछ बॉर्डर लाइन पे हैं जो चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपना अपना देख लेना, ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल सकते हो, ओके। थैंक यू।